कांग्रेस की सरकार में कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ था। ये बीजेपी की सरकार भजन लाल आते ही एक्शन चालू हुआ साहब। लेकिन पट्टा जो हुआ करे तो पट्टा आप पूरी जमीन रो थो या फिर आधे जमीन रो थो? पट्टा तो पूरी जमीन का ही था साहब इसमें, पर ये तीन मकान है इसमें अलग अलग भाइयों के हैं, तो इधर इसकी मैंने तो रजिस्ट्री करा रखी थी। हमारे तो सुनाई नहीं करे, हमारे बच्चे अंदर से बहुत मुश्किल से बाके निकाल के लाए हम जबरदस्ती घुस के। बड़े बुजुर्ग आदमी से बात करने की तमीज नहीं है, उनको धक्के दे रहे उनसे है। एक बात बताओ, बुजुर्ग आदमी होता है उसका भी कुछ हो जाएगा तो उसका घर वाला कहाँ जाएगा, घर वाले कहाँ लगेंगे उनके? क्या आपकी 110 गज जाएगी? हमारा 150 गज का प्लॉट है, 10 गज 110 गज हमने खुशी खुशी हमारा पूरा खाली कर दिया, 110 गज का उनको पूरा देने के लिए खाली कर दिया, और वो लोग आके कह रहे हैं कि पूरा जाएगा आपका, तो ये उनकी गलत है कि नहीं है? कोर्ट स्टे को भी अवहेलना हो रही है, हाई कोर्ट की, हाई कोर्ट की स्टे की भी अवहेलना हो रही है, और बेघर हो गए साहब हमारे, तो कुछ नहीं बचा इसमें। 20 और गलत निशान, वहाँ निशान, यहाँ वो 18 फुट आगे निशान लगा के गए, पूरा खत्म कर दिया। निशान भी गलत लगा हुआ है, निशान गलत लगे हुए। बीजेपी आने के बाद बेघर करने का काम है, मुख्यमंत्री मिलना नहीं चाहते, एक महीने से हम चक्कर लगा रहे हैं। खुद को भी बांदरी घेर दिए अनुमान ऐसे बोल के गए। कांग्रेस सरकार थी ना, कांग्रेस सरकार के राज्य में हम कभी बेघर नहीं। खमागणी राम राम, मैं हूं आप रविश, मैं आप दोस्त दीपक, आप देख रहे हो झलक। और एक खास खबर मैं आपने दिखाने जा रही हूं, वो आ है कि जयपुर शहर के अंदर वंदे मातरम सर्किल से लेके न्यू सांगानेर रोड तक कम से कम 1.5 किलोमीटर रोड है 100 फीट चौड़ी हो रही है, और इन वजह से कम अटेरा 250 मकान टूट रहा है। JDA पहले नोटिस दियो तो, लेकिन चुनाव के कारण कार्यवाही नहीं हो रही थी, चुनाव और परिणाम आवर बाद एक्शन में आ चुकी है। लारे भी देख सको आप, अठे भी, JCB हाल भी काम कर रही है, लगातार तोड़ रही है। अबार बाप रे चलूंगा, लोगों मिलूंगा, बताऊंगा कि कई बीत रही है, अपने आंखों से घर ने टूटता हुआ देख लो, कितनों दुखदायी हुए घर है। यूं बात करा, आप लोग शुभ नाम? रफीक मोहम्मद है। कितना साल से घर तो आप लोग? 22 साल से रह रहा हूँ मैं यहाँ, पहले चदरों में रह रहा था, फिर मकान बनाया था 8-10 साल पहले। तो आपने पहले नोटिस दियो गए थे और अब कार्रवाई पर आ चुकी है JDA? कांग्रेस की सरकार में कोई दिक्कत ही नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ था, ये बीजेपी की सरकार भजन लाल आते ही एक्शन चालू हुआ साहब। तो आप कोई कोशिश करी कि भजन लाल जी तक वो मैसेज जावे, बात करने वाले ऑफिस गया आप? सब गए थे साहब, कोशिश करी, एक परसों भी गए थे तो वो क्या पता कहाँ चल गई, दिल्ली विल्ली मिले ही नहीं। उधर मंजू शर्मा के पास जाके आए, मंजू शर्मा ने आश्वासन दिया था भाई, बस ये बात हुई थी साहब उधर। तो कई लग रहे इन बारे में आपने, लेकिन पट्टा जो हुआ करे तो पट्टा आप पूरी जमीन रो थो या फिर आधे जमीन रो थो? पट्टा तो पूरी जमीन का ही था साहब इसमें, पर ये तीन मकान है इसमें अलग अलग भाइयों के हैं, तो इधर इसकी मैंने तो रजिस्ट्री करा रखी थी, इस कोने वाले की रजिस्ट्री करा रखी थी, पट्टा लिया नहीं हमने अभी। रजिस्ट्री है होने बावजूद मकान टूट रहा है आप? चैनल के माध्यम से अगर भजन लाल जी आपने सुने तो कही कहना चाहो, आप मैसेज देना चाहो? भजन लाल जी तो किया जो गलती किया साहब, ये सारी चीजें इनकी सरकार आते ही हुआ ये काम, बीजेपी का इनकी सरकार आते ये काम हुआ नहीं, हमारे के कांग्रेस के सरकार में कोई दिक्कत ही नहीं आ रही थी, रह रहे थे हम सालों से, नहीं इस रोड का कोई पता था हमारे को, न कभी सुने, हम तो अभी सुनने लगे थे 2-5 महीने से ही। बहुत मेहनत से आदमी नौकरी करया करे, व्यापार करया करे, पैसा कमा करे, मजदूरी करया करे, और आप लोग का धंधो है व्यापार का ही, आप लोग कोई नौकरी है कुछ? कहा कौन सा, आप ड्राइवरी करा, बजरी की गाड़ी चलावा, मेहनत मजदूरी कर बनाया बोस। इन मकान बनाओ कितना रुपया लगे? मकान में लग गया 8-10 साल पहले 15-20 लाख रुपए लग गया। 15-20 लाख रुपए और मुआवजे कुछ दे रहे हैं आपने सरकार? दे रहे साहब, 1 रुपए नजरे मना कर दिया, कहीं नहीं, काल एप्लीकेशन भी लगा रहे, सब कुछ कर रहा है, अपने कहीं न दे रहे। JDA वाला आया था आपने अभी सुबह आके करते गए? सुबह आया था, सुबह आज यहाँ आए, हमारे तो सुनाई नहीं करे, हमारे बच्चे अंदर से बहुत मुश्किल से बाके निकाल के लाए हम जबरदस्ती घुस के, गेट तोड़ने लगे हम लोग, डर के रोने लगे हम लोग, ये बच्चे हमारे बच्चों को तो निकाले, तो हम गरीब आदमी को बच्चे का नुकसान तो ना करा लेंगे, तुम जमीन ले रहे ले लो, पर हमारे बच्चों तो निकालने दो, कम से कम उनको अभी नुकसान हो जाएगा, तुम कहाँ से भरपाई करोगे? एक तो बदतमीज, मैं तो सच्ची बता रही हूँ, उनकी जो पुलिस प्रशासन है ना सबसे गंदी है, मैं तो उनको ये भी कह रही हूँ वो गलत काम कर रहे हैं। एक आम आदमी होता उसे तसल्ली से भी बात कीजिए, आगे परेशान बंदा उसकी जमीन जा रही है, और ऊपर से वो लोग इस तरीके से परेशान कर रहे हैं कि धक्के निकाल रहे हैं, बड़े बुजुर्ग आदमी से बात करने की तमीज नहीं है, उनको धक्के दे रहे उनसे है। एक बात बताओ, बुजुर्ग आदमी होता है उसका भी कुछ हो जाएगा तो उसका घर वाला कहाँ जाएगा, घर वाले कहाँ लगेंगे उनके, उनसे बात नहीं करे वो ढंग से, इतने बदतमीजी से बात करी उन्होंने। भैया
हाथा पाई पे आ रहे थे वो लोग। पुलिस वाला था या जीडी वाला था? दोनों ही है। तो मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई अचानक से, वो अंदर जाके उन्होंने बंद कर लिया अपने आप को। अभी कुछ कर लेते मेरे पापा सुसाइड वगैरह कुछ कर लेते तो ये भुगतते क्या हमारे को? हम किसके लगते जाके हमारे हम इतने इतने बच्चे है। तो भाई उन्होंने जितनी हमारे को दिए आपकी 110 गज जारी जाएगी, हमारा 150 गज का प्लॉट है, 10 गज 110 गज हम दे, हमने खुशी खुशी हमारा पूरा खाली कर दिया 110 गज का, उनको पूरा देने के लिए खाली कर दिया। और वो लोग आके कह रहे हैं कि पूरा जाएगा आपका, तो ये उनकी गलत है कि नहीं है? आप इसका मुझे बता सकते हो कि ये गलत है कि नहीं है? जितना निशान बनाया था उतना आप खाली कर दिया था और एक्स्ट्रा ले लिया? उन्होंने एक्स्ट्रा ले रहे, वो पूरा ले रहे, पूरा ले रहे, पूरा कुछ भी नहीं छोड़ रहे हमारा। हमारे को स्टे दिया है उसके बावजूद आप एक्स्ट्रा? हमारे को जो नोटिस स्टे दे रखा है आपने, स्टे के हिसाब से आपको हमने 110 गज मांगा, आपको हमने 110 गज दे रहे, उसके एक्स्ट्रा आप क्यों कर रहे हो? बोले इसकी फाइल को कोई मतलब नहीं, तो आपका ही ये कानून बोल रहा है, ये आपकी फाइल है ना, ये इस फाइल को क्यों रिजेक्ट कर रहे हो आप, इसका जवाब दीजिए। फिर उसके बाद में हाथापाई हुई, नाइंसाफी हुई है तो नाइंसाफी हम यहीं पड़े हैं, हमारे ऊपर बुलडोजर चढ़ा दिए भाई, मन्ना तो वैसे ही हमारे, हम कहाँ जाए, हम इस प्रॉपर्टी के अंदर जी रहे थे, हम पांच परिवार रह रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ हमारे पास प्रॉपर्टी है, क्या है, कुछ नहीं हमारे पास। पर जो निशान लगाया था उन ज्यादा में जमीन कवर कर लिया है, तो इन बारे में आप कई करो लाभ? हम तो कुछ नहीं हमने करेंगे, हम हमारी प्रॉपर्टी जो पीछे की जगह है उसमें हमारे को कब्जा कर और ले लो जमीन, हमारी सबकी जान ले लो, पूरी फैमिली की ले लो और पूरी जमीन ले लो, हम खुशी खुशी दे देंगे, जान देने के लिए भी तैयार है, अपने हक की जमीन नहीं छोड़ेंगे। 110 चाहिए आप ले लो, अगर आपको पूरी चाहिए थी तो आपको पूरा नोटिस देना चाहिए था, मैं तो ये जानती हूँ, उनको पहले क्लियर हिसाब देना चाहिए था कि आपका पूरा जा रहा है, जब तक उन्होंने पूरा का क्लियर नहीं दिया ना, ये गलत उनकी है, मैं जानती हूँ प्रशासन गलत कर रहा है ना, ये भी आप भी जानते हो प्रशासन की गलती है ये। अब आज मेरे पापा की वो हालत है, मैं डॉक्टर को ले लेकर आ रही हूँ उनको दिखाने के लिए। एक बार मैं अंकल से मिलाना चाहूँ, आप 110 कट तक थो, अटे तक थो इन जगह तक, अब वे कट तक कह रहे हैं, अब वो पूरा कह रहे हैं पूरा कमरा जाएगा आपका, पूरा जाएगा, जीरो। ओहो अंकल जी, उन वक्त इतने अच्छे से बात कर रहा था, एक उम्मीद थी कि शायद से सरकार कुछ करेला, लेकिन अब देख सको आप तबीयत खराब हो रही है, टेढ़ी की वजह से डॉक्टर भी नहीं आ रहे हमारे पास देखने। अच्छा। वो लोग कह रहे हैं कि ये अब कानूनी कार्रवाई होगी, हम नहीं आ सकते घर पे, हाथा जोड़ी करके तो हम लोग जाके इतनी मस्ती से तो उनको लेकर आए, और उन्होंने लिख के भी नहीं दे रहे हमको, लिख के भी नहीं दे रहे हमें, ये परेशानी है इनको, सब खाली काले करना है, कल ही करना है, वो तो कल उठा देंगे ना, कहाँ जाए हम, कहाँ रखे इस सामान को भी, सोच रहे हो किन किन कमरा में रोला कट जाओ, नहीं जाएंगे हम तो, बैठे हैं हमारे तो जान ले लो, हम तो खुशी खुशी देने तैयार है, हमारे इस कमरे में बैठे हैं, अगर हमारा बचना है तो ठीक है, नहीं तो हम सबके सब मरने तैयार है, यही मरेंगे, मरेंगे हम खुशी खुशी, बाहर तो नहीं निकलेंगे अब, क्योंकि उन्होंने हमें 110 की कही थी, हमने 110 खाली करके दे दिया उनको, अब हमारी 29 गज जो जगह बचती है हम वो लेंगे, हमारे हिस्से की तो चाहिए ना सर, अब कोई अमीर आदमी है उनको पैसा खिला रहा है तो हम कहाँ से भगते, गरीब आदमी दो टाइम की रोटी बना के खा ले हम वो भी बहुत है। कोर्ट स्टे को भी अवहेलना हो रही है, हाई कोर्ट की, हाई कोर्ट की स्टे की भी अवहेलना हो रही है, और बेघर हो गए साहब हमारे, तो कुछ नहीं बचा इसमें, 20-22 साल से इस मकान में थे, कैसे तैसे करके बनाया था, अब इस उम्र में कैसे बनाएगा मकान जाके, कैसे होगा, 3 दिन बैठी अब नौ उम्र में शादी है। अच्छा। और गलत निशान वहाँ निशान, यहाँ वो 18 फुट आगे निशान लगा के गए, पूरा खत्म कर दिया, निशान में गलत लगा हुआ है, निशान गलत लगे हुए सब, मैंने नाप के देख ली 108 फुट पे निशान है ये, 108 कौन सी रोड बना रहे हैं, बेघर करने का काम है ये, बीजेपी आने के बाद बेघर करने का काम है, मुख्यमंत्री मिलना नहीं चाहते, एक महीने से हम चक्कर लगा रहे, मंजू शर्मा के पास गए, उन्होंने फोन किया फिर भी नहीं मिल पाए, मिलना ही नहीं चाहते, कहीं विस्थापित करे, कोई मुआवजा दे गरीबों को, ये पूरी जिंदगी की मेहनत थी, दो दो पैसे जोड़ के, मैं चाहूँ एक बार घर के अंदर जाके एक बार दिखाओ आप, देखो लगभग लगभग आगा सा टूट चुके हैं, और मंदिर वंदिर सब खाली कर चुका है, लगभग सामान पैकिंग कर रहे हैं, यानी 24 घंटा रहो, अल्टीमेट दियो है कि अब 24 घंटा के अंदर इन्हें खाली कर दो, आप मकान जावेला। 20,000 रुपए मैंने किराया लिया, एंटोमेंट कहाँ जाए, इतनी तपती दोपहर के अंदर 45 डिग्री में, ये सरकार ने ऐसा हमें बनाया है कि बच्चों को रोड पे पटक दिया निकाल के, छत छीन ली बच्चों की, मैं तो चाहता हूँ भगवान उनकी भी छत छीने जिन्होंने हमारी छत छीनी है। आप सुना सीताराम स्वामी, कई उम्र आपकी? 60 साल है साहब मेरी। आप सर्विस में था? नहीं सर, प्राइवेट जॉब है मेरी, 15,000 रुपए तनख्वाह है, अब इस पे गहरा होने पे इसके मकान में 10 दिन से छुट्टी कर रखे है ना पापा, बोल दिया पापा को कि अपना दूसरा काम देखो, अब हम दूसरा एम्प्लॉय ले लिए, एक पापा के भरोसे आरएस की पढ़ना चाहती थी मैं, पापा को बोला पापा स्प्रिंग बोर्ड से कोचिंग करनी है, पापा कैसे जैसे पैसे मैनेज कर रहे थे, एक घंटा में काले कर देना सबको, आपको अंदर ही तोड़ देंगे,
खुद को भी बांदरी घेर दी अनुमान ऐसे बोल के गए। हाई कोर्ट का स्टे था उसको मान्य नहीं किया, बोले ये तो फर्जी है, हाई कोर्ट का स्टे होते हुए मेरा तोड़ दिया मेरा। भाई मेरी थोड़ी फर्जी है, सोसाइटी के पट्टे है हमारे पास, और फिर कल तो मना कर दिया, बोले स्टे का है आपका नहीं तोड़ेंगे, और फिर बोले फेंको इसको बाहर। हाँ बार बार बोले ना वे फेंको, अफसर बोल के गए फेंको बाहर। छोटी छोटी कन्या थी ना, जब पगा का लूंगी तो भी कौन से डो, नौ उम्र में मेरे दो बच्चे की शादी जाएंगी, दे देता मेरी थोड़ 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 ले भाई बाप के तरी कमाई है, सब बोले कोई गिफ्ट ले ले मेरे बच्चा ने दूंगी मेरे, सब टूट गए बर्तन दांत कले जो कोई ये एकदम से क्या करे, कदम तो चला रहे ही है जो पूरा का पूरा घर खाली हो गया, उसको पूरा का पूरा घर चला गया, उसको कुछ तो मुआवजा कुछ तो देना, कोई मुआवजे की कोई बात ही नहीं करता यहाँ पे कि आपको मुआवजा देंगे। अभी हमारे ये दो कमरे भी बच जाते ना तो हम ऐसे सोचते रोजी रोटी इससे चल जाएगी, पापन पहले बहुत सारे एडवांस ले रखे, कोई उधार देने के लिए भी रेडी नहीं है हमें कि कोई उधार दे देगा। दोनों दीदियां कमारी बेटी है भैया, अभी दुकान खोला था, इतने सारे पैसे दुकान में लग गए थे, मेरी पढ़ाई बाकी है अभी, दुकान अभी खोली थी, सारे पैसे इसमें लगा दिए थे सेविंग के पापा ने। 10 दिन हो गए पापा को भगते है कि कोई तो सुने, हमारी सीएमओ जाए सांसद के पास में जाए कोई सुन ही नहीं रहा। इंसान का नहीं है क्या इस दुनिया में, जानवर को क्या तरस खाओगे आप लोग? यहाँ पे सब लोग खड़े खड़े में रोता हुआ देख रहे की अकेली लड़कियां कहाँ कहाँ भगेंगी, भैया नहीं था यहाँ पे, इंसानियत खत्म हो गई यहाँ पे, कोई ये सपोर्ट नहीं कर रहा कि भाई बस पैसे वाले होते ना, अभी हमारा कुछ बच रहा होता हम खुद सपोर्ट करते सरकार को भी। आप नहीं लग रहे कि जो पैसा वाला वाला घर बच रहा है? हाँ सीरियसली आपके सामने देखो ना, आपको देखो अगर हम सीरियसली बोल रहे, खुद को बोल रहे, अगर हमारा थोड़ा बहुत बचता ना हम खुद सपोर्ट करते, खुद का तोड़ देते हम। कभी होटल दिख रही है, होटल बच रही है, होटल पूरी बच रही, गया क्या पार्किंग भी नहीं गई पूरी होटल की, कुछ सब कुछ बच रहा हमारा ही टूट रहा है। आप देखो ना होटल की तो पार्किंग भी नहीं गई, होटल की पार्किंग नहीं गई, यहाँ पे पूरा घर लील गई है लोग, और ऊपर से कोई मुआवजे की बात नहीं, कोई ऐसी रिलीफ वाली बात नहीं, ठीक है आप लोगों का गया है हम कुछ आपको रिलीफ दे देंगे, आपको प्रॉफिट कर देंगे, कोई बात को मिलने ही नहीं आ रहा, बोल दिया घर खाली करके चल जाओ। स्टे लगने के बाद भी सीताराम स्वामी लिखा है, मंजू स्वामी प्लॉट तो इंसानों के नाम लिया जाता है ना, सिर्फ वी का कंफ्यूजन क्या हुआ, अभी के अभी तोड़ने के लिए सर पे खड़े हो गए, यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी, बोले तोड़ेंगे अभी के भी सामान से ही तोड़ेंगे, हमने बोला तोड़ तो अंदर लाशें पड़ेंगी, हमने बोल दिया कि हम 10 मेंबर है, 10 के 10 मेंबर से रात को सुसाइड कर लेंगे, किसी को रत्ती भरी फर्क नहीं पड़ा, 10 लोगों की लाश पे से रोड बनेगी क्या, ये क्या आदमी से 200 में कोई मतलब, ये रोड किसको फायदा दे रही है मुझे तो समझ नहीं आ रहा, सब लोग मना कर रहे, सब लोग सब वहाँ पे भी हम कम से कम 50-60 जने गए थे सीएमओ भी कि हाँ 80 फीट कर दो, हम 80 फीट में हम सब देने के लिए तैयार है, हमने इस पैसे इस जमीन के पैसे नहीं दिए या फिर घर के पैसे नहीं दिए, क्या सारी पूंजी हमारी इस मकान में लगी है, अभी ऊपर 2 कमरे बनाए पापा ने बोल के कि ऊपर थोड़ा घर बढ़ा लेते हैं, पापा ने हमें 1-2 साल बोला कि तू 1 साल का गैप ले ले बाद में कोचिंग कर लेना, अब सबका करियर पानी में डूब चुका है, कौन पढ़ने जाएगा मेरे तो भाई, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा या किराया दे पाऊंगा, बच्चों की पढ़ाई बंद हो जाएगी पूरी जिंदगी कमाई की। अरे अंकल जी आप रो मत, सोची समझी चाल थी, पहले 2013 में सेक्टर प्लान बना था तब ये मकान यहाँ तक ही आ रहा था, पहले डिमार्केशन हुआ था, लेकिन अभी उस समय पुष्पेंद्र भारद्वाज ने इस सबको लोगों को बचाया, ये कॉलोनी आज की बसी हुई नहीं है, आज के 30 साल पहले की बसी हुई है, लेकिन गलत प्रोजेक्ट दिया जेडीए को जाके कि 5 ही मकान है, जबकि 250 मकान बस चुके थे 2003 तक ही, उसके बावजूद अब जैसे स्वामी जी का मकान है, 3-3 लड़कियां हैं, 55 साल 58 साल की उम्र हो गई, अब दोबारा जिंदगी में मकान बना सकते हैं? बिल्कुल बेघर कर दिया और प्रशासन बिल्कुल नहीं सुना, मेरा मकान में भारत सरकार का ऑफिसर होते हुए मैं यहाँ नहीं था, मेरी बीवी नहीं है, आके मकान में सामान नहीं निकालने दिया, मैंने फोन कराया जब जाके तो सामान निकालने दिया, बेघर कर दिया, और ये सब भजनलाल मुख्यमंत्री ने किया क्योंकि उसके चहेतों के आगे बहुत सारी जमीनें पड़ी हुई हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए गरीब लोगों को बेघर किया गया है, आप देख रहे हो बिल्कुल बेघर कर दिया, 1 इंच नहीं बची है, बीजेपी सरकार जब जब आई तानाशाही करके लोगों के घर बर्बाद किए, इसके अलावा कुछ नहीं किया, जबकि मैं कट्टर कांग्रेसी हूँ, कट्टर बीजेपी हूँ, आरएसएस का वो हूँ, लेकिन आज मुझे भी बेघर कर दिया इन्होंने। हम क्या, मैं सबके लिए ये चाहती हूँ कि ये रोड जो है 60 फीट भी हो सकती थी, इसमें ना तो कोई बेरोजगार होता ना कोई बेघर होता, तो भजन लाल ने 100 फीट करवा के यहाँ क्या गरीबों को बेघर कर दिया है, और बिल्कुल हमको तो कहीं का नहीं छोड़ा है, कांग्रेस सरकार थी ना, कांग्रेस सरकार के राज्य में हम कभी बेघर नहीं। 15 में हमने पट्टे ले लिए थे और 16-17 में हमें नोटिस मिल गया था, तो ये जो 100 फुट रोड काट करके हम लोगों को पट्टे दिए गए थे जेडीए से,
तो हमने 100 फुट रोड काट करके पट्टे लिए, उसके बाद हमने जो है ये जेडीए के नियम्स के अनुसार से हमने सेट बैक छोड़ के फिर बनाया। तो आपने पत्तो थो कि आपरी इतो हिस्सो जायला और तब तक मैंने यूज कर लूं और बाद में जेडीए जब तोड़ेला तो तोड़ देला। हाँ तोड़ देला, वो तो खुला छोड़ रखा था हमने। तो कई ये जो जिन मकान टूट रहा है आधा हिस्सा जा रहा है, यानी मालूम नहीं तो कि जेडीए आना इतो हिस्सा तोड़ देला। भाई देखो ऐसा है, कई तो लोग कंफ्यूज में थे, कई कईयों को बहुत पहले बने हुए थे और कई कंफ्यूज में थे लोग, भाई बनेगा नहीं बनेगा। कई लोग नेता लोगों के चक्कर काट के साहब इसको 60 कर देंगे 80 कर देंगे, उस थोड़े से कंफ्यूज में होकर के लोगों ने नहीं बात आ सामने आ रही है, पहले 40 फीट बोले तो फिर 60 80 और अब 100 कर दी गई। नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कभी नहीं था। 40 तो सोसाइटी वाले ने, सोसाइटी वालों ने जो प्लॉट काटे थे उस वक्त 40 का रोड छोड़ा था। बाकी और ये भी कहा था साथ में कि ये रोड गांव की रोड है बनी और उसमें जाएगी है, सीधी बागरोटा जा रही है और डामर रोड है, ये गांव की रोड है, बहुत पुरानी रोड है और ये कम से कम 10-15 गांव को टच करती हुई जा रही है, तो ये भविष्य में कभी भी 100 फीट हो सकती है। ये भी कहा था वैदिक पीडब्ल्यूडी की रोड है, सरकारी रोड है, पहले से सरकारी रोड, सबसे पहले सरकारी रोड ही 100 फीट होती है, बाद में होती है बाकी दूसरी रोड है। तो फिर ये जो प्रॉपर्टी ली है जो ये लोग रह रहे हैं, तो यानी जो प्रॉपर्टी बेची है कहीं वो यानी बताई नहीं है बात कहीं लगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है जी, किसी ने बताई नहीं, किसी ने लिए तो उनको ये बेचारे एक दर्जुल में हो गए हो, भाई रोड होगा या नहीं होगा उन्हें पता ही नहीं था। कई लोग तो बेच करके चले गए और उनको बाद में पता चला रहे रोड में। आपने मालूम था आज? मेरे को तो मालूम है, तभी तो मैंने जेडीए के नियम्स के हिसाब से छोड़ करके। पर एक चीज देखो आप, आ रोड है आप खाली 8 हिस्सों लियो है और उन साइड में ज्यादा ले लियो है। देखिए ये तो क्या सैटेलाइट गवर्नमेंट का वो जो पहले हो चुका है सर्वे, ये तो पहले सर्वे हो चुका है और जो पीटी सर्वे वगैरह जो करते हैं उससे नापा गया है साहब इसको, ट्राइंगल जो रोड को बनाया गया ये तो जैसे रोड घूम रही है ना उस रोड को सीधा किया इन्होंने, इसमें किसी का कोई वो नहीं है। जैसे जैसे रोड घूम रही है सर्वाकार में कभी रोड नहीं बनती, कोई भी हाईवे देख लो आप आज तक सर्वाकार भी नहीं बनता है। अब जब 100 फीट रोड बन रही है तो वो तो बिल्कुल सीधी बनेगी और वो आजकल की टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट से देखता सीधा कहाँ है, तो इसमें क्या है कि जो पैसा वाला इन कॉलोनी के अंदर वाणा मकान काफी हद तक बच रहा है और जो गरीब है वाणा एरिया काफी हद तक कवर करे जा रहा है, कहीं कहना चाहिए बारे भैया? इसमें यह है कि जो लोग कह रहे हैं गरीब अमीर का यहाँ कोई संबंध नहीं है। इसमें क्या है कि 10 अप्रैल 2010 को एक गवर्नमेंट ने आदेश निकाला था 9 को और 10 को पेपरों में छप गया था कि इस जमीन पे कोई भी कार्यक्रम मतलब ऐसी खरीद फरोख्त है सब अवैध है, उसके बाद अगर कोई खरीदता है तो जेडीए में मालूम करके खरीदे। तो ये गलती किसकी है, खरीदने वाले की या जेडीए की, ये बताओ आप। 9 अप्रैल 2003 को हाईकोर्ट से आदेश हो गए कि इस जमीन पे कोई भी खरीद फरोख्त होगी आज के बाद वो सब अवैध होगी। सर ऐसा है कि जो रोड बनाई जा रही है कुछ प्रभावशाली लोगों के दबाव में बनाई जा रही है, ये तो 2012 से पहले जितने भी सेक्टर प्लान गवर्नमेंट के आए वहाँ एक बार भी ये इस जगह 40 फुट की रोड थी, कहीं 100 फुट की रोड नहीं थी। यहाँ से बीटी रोड और रजत पथ पे 100 फुट की रोड थी और ये 40 फुट की रोड थी, लेकिन 2012 में कुछ प्रभावशाली लोगों ने हमारे से 200 मीटर दूर जो 100 फुट रोड है अयोध्या पथ के सामने उसको यहाँ ट्रांसफर यहाँ करा दिया, उसको ब्लॉकेज करा के यहाँ शिफ्ट करा दिया और उसके बाद इसको 100 फुट में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद भी गवर्नमेंट ने हमसे कहा कि नहीं ये 60 फुट ही रहेगी रोड, लेकिन अभी अचानक और हमारा केस चल रहा है करीब 2015 से और हमने करीब 20 से 25 लोगों ने स्टे रखा है यहाँ पे, और अभी अचानक ही किसी कुछ और लोगों ने PIL लगा दी जिनका इस रोड से कोई मतलब नहीं है, वो दूसरी कॉलोनी के संबंधित हैं, यहाँ उनका आना जाना भी नहीं है। अचानक कहीं किसी से जिनका यहाँ आगे जो प्रभावशाली लोग हैं जिनका 100 फुट रोड होने से बहुत ज्यादा फायदा है उनके कहने में PIL 100 फीट की कड़े जरूरत थी अगर 60 में काम हो जाता तो। बिल्कुल सर कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको कितना पॉइंट बताता हूँ, ये सर्विस लेन बन के रह जाएगी क्योंकि दोनों किनारों पर ये क्रॉस बंद है, चारों तरफ बंदे मात्र पे कहीं क्रॉस खुला हुआ नहीं है। तो फिर कई कारण आपने कई कारण लग रहे हैं कि इन्हें 100 फीट करी जा रही है। नहीं अब ये वही प्रभावशाली लोगों की कही है, आगे हमारे एक बंदा है उसके काफी बड़ा खेत और जमीन है, पीछे भी काफी लोग हैं जिनके जमीन है काफी है खेती है, तो वो सब 100 फीट पे आने का कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि महारानी गार्डन या ये सभी जितनी चमक गई है वो तो इस तरह का हमारा हो जाए, लेकिन उसकी वजह से काफी ऐसे लोग हैं जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं उनके पूरे के पूरे मकान जा रहे हैं। बिल्कुल एक मकान है स्वामी जीरो, आप कुछ बता रहा था कोई मार्किंग की मिस्टेक हुई है? जी हाँ,
जो कोर्ट ऑर्डर आया हाँ स्टेटस आया वो कोर्ट का वो आया ऑर्डर, उसमें कहीं एक टाइपिंग मिस्टेक होने की वजह से वो उसको स्टे का लाभ नहीं दे रहा। टाइपिंग मिस्टेक है उसमें, यू और बी का है, मकान नंबर में यू है लेकिन टाइपिंग में बी आ गया। लेकिन हमने उनको ये भी बताया गया कि जब कोर्ट ऑर्डर है उसके अंदर तो उसमें पीड़ित क्या है, जो इससे भी स्टेधारी है उसका मकान नंबर का एड्रेस लिया जाता है ना कि जगह का लिया जाता है, लेकिन उसको भी नहीं माना उन्होंने क्योंकि हाँ और समय भी नहीं दिया, कल हटाने के लिए कह रहे हैं उनको, लगे हुए अपने। फिलहाल के लिए मैं तो आपके बीच में आपके दोस्त दीपक, आप देख सक रहे हो इन पूरी हालात ने अठहरा लोगारी भावना आप देख रहा था। आपने अगर वो वीडियो वाकई में लगे कि इन्हें शेयर करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देखे, भजन लाल जी तक इन्हें खबर पहुंच जावे, भजन लाल जी कुछ करे इन बारे में, तो आप इन्हें जरूर शेयर करो, कमेंट करके बताओ किन साथ नाइंसाफी हुई है और कौन कई हरकत करी है। फिलहाल के लिए मैं था आपके बीच में दीपक, जलको से धन्यवाद।